started having fun. There's a lot of friends here from TV and from fashion, and it's great to be together for a cause. So I think we're having a really good time, and to be able to do your everyday job for a greater purpose is really great. So I'm really, really having a good time. Done? I think education is key. I think if it wasn't for education, none of us women would have been able to chart the dreams that we have. Even being in the entertainment field, I have a degree myself, and it's not just about having the certification, but it's about learning about yourself. It's about being able to go out there and build a life for yourself. So I think it's the most important thing, and like I said, I'm really grateful to Smile Foundation for giving me a chance to be a part of such a great initiative. खत्म कर लेते हैं। कम 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 कैन यू सी हां कैन यू सी आई डोंट नो इधर बाहर आ जाइए क्या देखिए बच्चों का है और इस फाउंडेशन को हम ये तो अभी आप शो देख रहे हैं हमने हमेशा बूगी बूगी हमारा शो था उसमें स्माइल फाउंडेशन के बच्चे हमेशा आए हैं और एंजॉय किया हमारे साथ में और जब तक है करते रहेंगे क्योंकि बच्चे जो हैं भोले हैं और इनको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज इस सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में गर्ल चाइल्ड को एडुकेट करना चाहिए क्योंकि जो एडुकेशन है वो हर बच्चे का एक बर्थ राइट है उसको बच्ची पढ़ेगी तो पूरी फैमिली को पढ़ाएगी और आगे की जनरेशन पढ़ेगी तो मेरी बीवी भी अभी अमेरिकन है अमेरिका से हैं अभी मेरी 3 साल पहले शादी हुई है तो इनका भी यही कॉज है बच्चों को ये भी करती रहती हैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है पर्सनल लेवल में हमेशा करता हूँ और कैसे करता हूँ ये नहीं बताऊँगा पर करते हैं थैंक यू थैंक यू हाँ यहाँ लेना है अच्छा अच्छा बच्चों के साथ हो गया स्माइल के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ स्पेशली जब बच्चों के बच्चों सेंट्रिक कॉज होती है तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है हाय हाय एंड आई थिंक रिसेंटली हाँ हमारा एक ऐसे ही शो रैम फॉर चैम्स बैंगलोर में भी हुआ था एंड आई वाज देयर फॉर दिस कॉज क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं एंड बेसिकली ये जो रैम फॉर चैम्स है इट इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस amongst the society ताकि लोग आके सामने बच्चों के लिए ये लोग funds इकट्ठा कर सके for the education of these children. I think it's beautiful. It's a beautiful cause. Thanks to her. Archana Kochar, huh?
just coming by second issue. देखिए ये इस फाउंडेशन ने काफ़ी क्रेडिबिलिटी पाई है क्योंकि ये काफ़ी अरसों से बहुत चीज़ें कर रही हैं बच्चों के लिए, तो आई एम श्योर कोई ना कोई वजह तो होगी. कंसिस्टेंटली इनके एफर्ट्स हैं फॉर सम, आई मीन बच्चों के लिए हो या उनके एजुकेशन के, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो या कोई भी चीज़ के लिए, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं. आई थिंक माई होल एस्पेक्ट एंड मतलब एंड लुकिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड जो एक होता है वो आफ्टर मदरहुड चेंज ही हो जाता है. आई हैव ऑलवेज लव चिल्ड्रन बट द कंपैशन फैक्टर एंड कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो ही जाते हैं. मदरहुड इज़ ब्यूटिफुल. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट रोल्स दैट आई हैव प्लेड इन माई लाइफ. एंड रियाना वॉज हियर अभी थोड़ी देर तक, बट नाउ आई हैव सेंट हर होम. बहुत ही अच्छा लगता है. आई मीन आई रियली लव बीइंग अ मदर. Yeah, after all, quite some time I've signed a film or we start shooting for it end of this year. I'm very excited because it's a very dynamic or strong, powerful role. Hai. The film is, it's a revenge story and the script was very good. So that's why I'm coming 3-4 years later. So I just needed something really super for a comeback. देखिए भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं. आई कंसिडर माई सेल्फ रियली, आई थिंक आई एम वन ऑफ द प्रिविलेज्ड वंस एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स. आई एम कंटेंट विथ व्हाट आई हैव इन लाइफ. तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से अगर कुछ भी ऐसी मैं चीज़ कर सकूँ विच आई कैन गिव बैक टू सोसाइटी. एंड ये हमारी कल की यूथ है, ये बच्चे, आई थिंक दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट जो भगवान ने हमको दिए हैं. दे आर द मोस्ट नेचुरल इनोसेंट beings. So, इन बच्चों के लिए मैं जितना कर सकती हूँ करना चाहूँगी. आई थिंक फ्रीडम इज, आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड. तो आई कंसिडर माई सेल्फ अ फ्री स्पिरिट एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. थैंक यू सो मच. विद दैट आ जाओ. क्या बोल रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच. वेल यू कैन सी वी हैव गॉट टू डॉटर्स ऑलरेडी एंड आई थिंक देयर आर नो रियल वर्ड्स एंड प्रेशर ऑफ लाइफ टू हैव सच डॉटर्स. आई थिंक दे आर द बेस्ट थिंग टू हैपन इन द वर्ल्ड एंड it's, I mean, there are no words to describe the feeling of parenthood. Tell us something about the evening. What made you get to the association with the IDE? The idea of supporting a girl child was more exciting. They support the girl child, their education, their well-being, so that's the reason.
and we have two girls, so we are more emotionally connected to it. I think it's a good cause, and yeah. I think I believe in promoting you know, women empowerment and girls especially. I think it's a blessing, and what Smile is doing, it's a good job at the end. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.